हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कलिंग ग्लैम। आज मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ नेचर्स के चारकोल स्क्रब के बारे में। तो मैं बता दूं कि आजकल के डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैल गया है, और आपको पता ही है जो चारकोल है वो डस्ट और पॉल्यूशन अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, और खास करके जो एक्टिव चारकोल होता है वो। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनके ब्लैक हेड्स हैं, या फिर जिनके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा डस्ट, और ऑयली स्किन वालों के लिए जिनके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा डस्ट चिपक जाता है, धूल, ये सब आजकल के डेली लाइफ में तो बहुत फैल ही रहा है पॉल्यूशन, उनके लिए ये स्क्रब बहुत ही अच्छा है। और ये जो स्क्रब है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, मतलब ये ड्राई स्किन वाले भी बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, और ये उनका चेहरा ड्राई नहीं करेगा। ये जो मेरे हाथ में आप ट्यूब देख रहे हो, ये मैंने मार्केट से 100 रुपीज का लिया है। आपको ये ट्यूब इजिली मार्केट में मिल ही जाएंगे। तो आइए पहले इसके टेक्सचर के बारे में देखते हैं कि कैसा है। आइए यहाँ पे, ये इसका क्रीमी पूरा टेक्सचर है, पूरा क्रीमी टेक्सचर है। आप यहाँ पे थोड़ा मेरा रेड हो गया, ये देख रहे हो पूरा ब्लैक जो दिख रहा है वो सारा चारकोल है। आपको हाथ पे लेके और चेहरे पे हल्के हाथों से मसाज करना है, क्योंकि आप ज्यादा तेजी से मसाज करोगे तो आपके जो ओपन पोर्स है वो और ओपन हो जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे अप्लाई करेंगे ये सारा पार्टिकल है चारकोल का, ऐसे फेस में लगा के आपको इजीली बस 5 से 6 मिनट तक मसाज करना है, फिर आपको ऐसे धो लेना है इसको चेहरे से। पूरा कैसे साफ कर दिया है और ड्राई भी नहीं किया, देखिए एकदम स्मूथ हो गया है मेरा स्किन। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आएंगे रिव्यूज के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।